Hello everyone, this is your host Meeta and you're watching me live on My Dream TV USA. It is my absolute honor to introduce my guest for today. She's very well known as the Unstoppable Warrior, a British scholar and lawyer from London, water leader from NUS Singapore, water leader from Harvard USA, chairperson Jito Ladies Wing India. She's had the honor and privilege to be felicitated by the prime ministers of Canada, Norway, Ireland, and our very own Sri Narendra Modi ji. Unhe kehte hain the new age Jhansi ki Rani. So please welcome the unstoppable Mrs. Sharmila Oswal. Hello, Sharmila ji. How are you? Jai Jinendra. Namaskar. Welcome. Good morning. To Jai Shri Krishna. Vanakkam. नमस्ते प्रणाम सभी अमेरिका को मेरा गुड मॉर्निंग इट्स अ प्लेजर टू हैव यू थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और शर्मिला जी मैं जानती हूँ कि जो भी हमारा आज का ये एपिसोड देखेंगे इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम यू आर सच अ मोटिवेशनल स्पीकर आप इतना इंस्पायर करती है लोगों को अराउंड यू सो आई वुड लाइक शेयर योर जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन इंडिया to becoming a barrister in London and a Harvard diplomat. Please share kariye hamare viewers ke saath. Mera janam aap keh sakte hain ki ek unwanted, unchahi, kyunki wo times hi aisa tha ki ladki ka janam hona was a kind of shock. To ek ladki ke roop mein janam liya to was not been that gratefully accepted by grandparents. But my parents were great. वो जमाने में आपको पता है conservative families, joint families, and we were six siblings and चार बहने. तो I was a sixth child. So it was not, you know, as a girl child, was not that, you know, मतलब happy माहौल में नहीं आई. So जो आना है मेरा इस world में वो which was not gracefully accepted. And later school time और वो गांव भी ऐसा है जहाँ पे मैं पोइनाड गांव से हूँ अलीबाग के बाजू में जो कि बंबई से 140 किलोमीटर है कोंकण में है वो मराठी मीडियम में पढ़ी मुझे तीसरी स्टैंडर्ड में थी मतलब थर्ड स्टैंडर्ड में मराठी मीडियम में थी तो लोकमान्य तिलक जो स्वातंत्र्य संग्राम जो भारत को स्वातंत्र्य मिला है जिसमें लोकमान्य तिलक जी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था तो उनका एक चैप्टर था कि स्वराज यह मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूंगा तो मैंने वो दो लाइनें अपने दीवार पे रूम के दीवार पे लगा दिया कि शिक्षण यह मेरा जन्म सिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूंगी तो ये दो लाइनें मैंने वो दीवार पे लग दी और अपेरेंटली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो भी मेरे रीजन से है कोंकण से है महाड़ से है मेरे पास वाले गांव से है तो उनकी इंस्पिरेशन बहुत बड़ी रही मेरी लाइफ में टू बी अ बैरिस्टर तो मैं हमारे रीजन की पहली मतलब जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैरिस्टर थे पहली महिला मैं बनी अपने रीजन से तो बैरिस्टर बनने का ये ख्वाब मैंने 10th तक देखा और आपको जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन बहुत मतलब मुश्किल था मेरे पहले मेरे बाद में कोई पढ़ा नहीं गांव में पर मेरा जुनून बहुत था तो 14 साल की उम्र में ऑलमोस्ट भाग जाना पड़ा घर से पढ़ाई के लिए माँ बाप का सपोर्ट बहुत था माता पिता की पुण्याई बहुत रही पर ग्रैंड पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे भाई साहब भी बहुत स्ट्रिक्ट थे तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं था तो स्कॉलरशिप पे पूरी एजुकेशन हुई छोड़ते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वापिस जाते थे वापिस यू नो पापा छुपाते थे बहुत बार भाई से ग्रैंड पेरेंट्स से तो ये बहुत स्ट्रगलफुल जर्नी रहा मेरे लाइफ का टिल आई डिड माई ग्रेजुएशन तभी शादी भी हुई क्योंकि उस टाइम 21 साल की एज में शादी हुई और उस टाइम पे भी बहुत सारे कंपल्शंस थे प्रेशर्स थे सामाजिक प्रेशर थे पर सपना जो था वो दिमाग में यहाँ था कि बैरिस्टर बनना ही है जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना है क्योंकि गांव में समाज में डाउरी दहेज डोमेस्टिक वायलेंस ये सब इतना ज्यादा देखा था कि कहीं तो जहन में एक बात बैठ गई थी कि मुझे इंसाफ के लिए लड़ना है मुझे वकील बनना है और उस टाइम मुझे इंसाफ चाहिए मूवी आई थी रेखा की जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी मैं इनकी तरह नहीं बनूंगी मैं घूंघट में नहीं रहूंगी 21वीं साल में शादी हुई बहुत कॉन्जर्वेटिव फैमिली में मैं आई 2 साल के बाद शादी के क्योंकि ड्रीम जो था यहाँ था पर उस टाइम इंटरनेट नहीं था कंप्यूटर्स नहीं थे 1995 में तो उस वक्त लेटर लिख के इंग्लैंड जाना लेटर आना इस सारी चीजों को 2-2 महीने लगते थे पर वो सारा टाइम 2 साल हस्बैंड बहुत ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट यू नो द वन हु हेल्प मी
क्योंकि उन्होंने ही स्टूड बाय विथ मी टू स्टैंड फॉर द एजुकेशन व्हाट आई वांटेड. सो ही यूज्ड टू कम टू ब्रिटिश लाइब्रेरी घर का काम होता था पूरा टाइम चूल्हा चौका ये सब करके इस सारे ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाके फॉर्म्स भरना. सो ये सारा प्रोसेस किया. शादी के 2 साल बाद आई गॉट फुल स्कॉलरशिप. पर ये स्कॉलरशिप जो 28 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मुझे एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मिली 28 लाख की स्कॉलरशिप. पर वो स्कॉलरशिप भी बहुत आसानी से नहीं आई. एज अ मैरिड आई वॉज बीन रिजेक्टेड. गले में मंगलसूत्र होता था, सिर पे पल्ला होता था, साड़ी का पल्लू ऐसे होता था. सो आई वॉज बीन रिजेक्टेड मेनी टाइम्स फॉर नॉट हैविंग अ कॉन्वेंट बैकग्राउंड. इंग्लिश मीडियम नहीं था. तो ये सारे हालात के बाद मतलब एक मराठी मीडियम की लड़की पर स्कॉलरशिप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिसर्च प्रपोजल थॉट प्रोसेस आइडियाज ओरिजिनलिटी एंड आई हैड अ गुड एकेडमिक्स. बहुत मुश्किल से शादी के 2 साल बाद वो भी साड़ी का सर पे पल्लू लेके मैं इंग्लैंड गई हूँ. आपने मेरी कहीं पिक्चर देखी होगी, सारी सासुएं खड़ी है और मुझे इंग्लैंड के लिए भेज रही है. तो ये जर्नी था मेरा एक गांव से लेके बहुत ही संघर्ष करके हर कदम पे हर जर्रे पे एक संघर्ष ही रहा लाइफ में. क्या बात है, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी. यू नो कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर हार्डवर्क और डेडिकेशन है तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो. यू नो यू कैन अचीव एनीथिंग. और आपके हस्बैंड ने ये साबित कर दिया कि यू नो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट आई ऑल्सो बिलीव द अदर वे. यू नो कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन कैन बी अ मैन एज वेल. यू नो सो आई टोटली बिलीव इन दैट फिलोसफी एज वेल. So, Sharmila ji, you used to practice law in Canada, if I'm not wrong. Aur aap chahti to Canada mein settle ho sakti thi, you know, you could be successful out there. So, what made you move to India, back to our country? Canada, in fact, I always consider after India, Canada was definitely a mother country. I had a fantastic opportunity to work with Ontario Human Rights Commission. In fact, US mein us time, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से लेके सबके इमिग्रेशन वीजाज एंड आई वॉज मेरा जैसे आई वॉज अ ब्रिटिश लॉयर. आई वॉज ऑल्सो एनरोल्ड विद द कैनेडा बार. सो दैट टाइम फ्रॉम यूएस टू कैनेडा ये माइग्रेशन इमिग्रेशन कस्टम्स ये बहुत ज्यादा होता था. क्यूबेक मॉन्ट्रियल एंड इनफैक्ट इलीगल माइग्रेंट्स जो थे यूएस के, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो पेट्रोल पंप लेके या ऐसे सारे जो यूएस में बहुत सारी मेजोरिटी पॉपुलेशन ऐसी रही है जिनको लीगल वे में आई मीन यू नो टू हेल्प देम. So this way with the HRDC, human resources, validation, तो ये सारा US Canada का काम बहुत किया. बट एक वो जो कहता है ना call inside, कि मैं मेरे अंदर patriotism का कीड़ा हमेशा रहा है. मेरा background, मेरे माता पिता और देश के लिए काम करने का जज्बा ये बहुत गहरा है. तो उस feeling ने मुझे कि नहीं मैं अपने देश के लिए काम करूंगी, मैं गाँव में जाके काम करूंगी और मरना भी है तो देश के लिए उसी भूमि में मरना है. तो वो थॉट प्रोसेस आई वाज डूइंग टॉप. आई वाज ऑन द टॉप मोस्ट करियर लैडर इन कनाडा. बट विद दैट थॉट दैट पैट्रियोटिज्म भारत मेरा महान और देश के लिए बिल्कुल और बहुत खुशी है. सो नो रिग्रेट्स. इनफैक्ट रादर आई एम वेरी हैप्पी फॉर द डिसीजन व्हाट आई मेड. दैट्स अमेजिंग. यू नो हम भी सब दिल से देश लाइक आई एम हियर सिंस 21 इयर्स और इतनी बार सोचा कि वापस अपने देश जाना चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल होता है. एक बार तुम यहाँ सेटल हो जाते हो नाउ दिस इज ऑल्सो आर कंट्री. ऐसा हो जाता है आपने कहा कैनेडा इज योर सेकेंड होम. यू नो सो इंडिया और अमेरिका बोथ आर आर होम. यू नो लाइक हम कह सकते हैं कि हम यहाँ बिलोंग करते हैं. अब बहुत मुश्किल हो जाता है वापस जाना. इट्स नॉट ईजी. सो अगर आप डिसीजन सही समय पे ले लेते हो सो इट वर्क्स आउट, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट. इट इज सो यू नो यू आर नोन एज द फर्स्ट वाटर वुमन ऑफ इंडिया. सिंगापुर से इनफैक्ट ये जो वाटर लीडर एंड वाटर डिप्लोमेट अगेन द बोथ प्रोग्राम फंडेड स्पॉन्सर्ड फुल स्कॉलरशिप नॉमिनेटेड सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट्स जिसमें मुझे ये फुल फ्लेज यू नो मौका मिला. सो एज अ वाटर लीडर एंड वाटर गवर्नेंस पॉलिसी मेरा हमेशा स्पेशलाइज एरिया रहा है. पर ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन के जरिए गाँव में महाराष्ट्र के जैसे पुरंदर जिला है जुन्नर तालुका है जिसमें हमने वाटर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट से फार्मर्स को हेल्प किया. जैसे जो खेतों में पानी कितना लगता है खरीफ और रब्बी ऐसे टू क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं तो किसानों को पता नहीं होता कि कौन से क्रॉप्स को कितना पानी लगता है.
सो वी डेवलप द चिप. और मान लो वो जुन्नर तालुका पूना से 300 किलोमीटर है, तो पूना में मैं अपने ऑफिस में बैठ के मॉनिटर स्क्रीन पे आई यूज टू मॉनिटर कि कौन से किसान को कितना पानी मिल रहा है, और जिसको पानी नहीं मिल रहा है तो इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था. तो दिस काइंड ऑफ वर्क, जहाँ पे पानी नहीं है तो जियोग्राफिकली उनका असेसमेंट करना, वाटर असेसमेंट, इवन सर्वे करना, सैटेलाइट मैपिंग करना, पानी का स्तर जो भूगर्भ होता है, जमीन का स्तर जानना, ये सब जानने के बाद, जैसे अभी राजस्थान में भी हम लोग काम कर रहे हैं, डूंगरपुर जो गुजरात में है वहां कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो पानी की सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, वाटर रिवाइवल, जो कुएं बावड़िया जो सूख गई है उसको रिवाइव करना, यह हमारा काम है. इनफैक्ट एज अ वाटर डिप्लोमेट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू पैलेस्टाइन, इसराइल एंड जॉर्डन, जहाँ पे वाटर कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, वाटर वॉर ज्यादा है, तो वहां पे इनफैक्ट धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करके वहां पे काफी अच्छे प्रयास हुए हैं. जॉर्डन रिवर पे जो कंफ्लिक्ट है, इनफैक्ट दे वॉन्टेड टू एडॉप्ट नमामि गंगे मॉडल फॉर जॉर्डन रिवर. जॉर्डन रिवर पे जो बाप्टिज्म का इशू है, क्रिश्चियंस जैसे इसराइल है तो वो कहता है कि भाई ये जॉर्डन रिवर हमारे लिए रिलीजियस है, इस्लामिक जो पॉपुलेशन है वो कहती है हमारे लिए ये ज्यादा ये है. तो उसके ऊपर ये जो कंफ्लिक्ट है धर्म गुरुओं के डायलॉग से रिजॉल्व हुआ है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट विद द इको पीस एज अ वाटर डिप्लोमैट वी हैड अ वंडरफुल डायलॉग एसोसिएशन वेयर इंडिया एंड इसराइल हैड एन एग्रीमेंट ऑन नमामि गंगे बिकॉज गंगा इज द वर्ल्ड सेक्रेट रिवर सिमिलर लाइक जॉर्डन बट इट इज द लार्जेस्ट रिवर. सो वी हैव द सिमिलर इंटरेस्ट एंड आई एम वेरी श्योर दैट इंडिया बिकम अ केस स्टडी. Even Harvard invited me for the same reasons to give this case study and share with the MIT University and Harvard. So that was a wonderful experience of life. That's amazing. You know, like आपकी हर story, like कुछ भी आपने जो life में इतना achieve किया, it's so inspiring कि हम इतना कुछ सीख सकते हैं. तो आपने बात की आपने आपके NGO की ये जो Green Energy Foundation है. तो अगर हम यहाँ पे उससे जुड़ना चाहे और कुछ हेल्प करना चाहे तो इज देयर अ वे टू डू दैट? ऑफ कोर्स डेफिनेटली. इनफैक्ट वी हैड इनफैक्ट इन 2010 टू 12 वी हैड इंटर्न्स फ्रॉम यूएस. इनफैक्ट दे वर असिस्टिंग अस फॉर द एनर्जी एंड द वाटर एफिशिएंसी. दे वर वर्किंग विद अस ऑन द प्रोजेक्ट. सो वी वेलकम यू नो पीपल हु वांट टू कम एसोसिएट. इनफैक्ट लेट्स से from USA you are coming to India in a summer time for visits, you can you know adopt one village with us. We have so many villages. You adopt one village for water, for environment, for let's say we have a women initiatives jo ye quilts hote hain to wo recycled clothes se quilts banana women ko hum training dete hain, jute bags banana. So you know I mean you know we have all these kind of projects. And you can come and let's say 10 days or month is a better time actually. And especially when you're coming from all the way from USA, we suggest, you know, 1 month, 2 months, 3 months. In fact, students, definitely they are interested to join for 2 months, 3 months program. So we are very much welcoming. In fact, if anybody would like to come and join our NGO, we will be very happy and they can get a very good experience. This is really good. I will definitely do it. Study abroad program, I think what you call it. Yeah, study abroad program, yeah, student exchange and that's really good. तो आपने हमने ये भी सुना है कि आपने एक group start किया which is called the digital no the women warrior project या जो आपका group है और जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने आपको felicitate भी किया है. तो what is this group? Basically जब digital India का जन्म हुआ तो मेरे दिमाग में ये एक थॉट प्रोसेस आई कि इंडिया में जो महिलाओं की शक्ति है, महिला की पावर है, वो बहुत असाधारण है. और बहुत सारे लोगों के पास कैपिटल नहीं है, सीड कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए. सो डिजिटल इज द बेस्ट वे वेयर यू डोंट नीड कैपिटल. तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हमारे 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हुए. उन महिलाओं को हमने डिजिटली हाउ टू सेल यू नो जैसे घर के बैठ के जो जो उनके प्रोडक्ट्स है हमने सारे वो प्लेटफॉर्म पे लाए. We gave them the skills and training. In fact, we have formed for the senior citizens also. So senior citizens who are not able to have the, you know, like booking of Uber, Ola, right. Big basket se sabzi lana. Ab unko kaun sikhaye? Bacche bahut ho ke America mein chale gaye, US chale gaye, UK chale gaye. So now ye jo mata pita ghar pe hai, to inhone kaise karna hai? To unko humne ye independent banna, choti moti, matlab practical knowledge. So we have plenty of resources with us, volunteers with us. 75 सेंटर्स इंडिया में हम चला रहे हैं.
तो हर वॉरियर, डिजिटल वुमेन वॉरियर, वो सबको ट्रेनिंग करती है एंड इट इज अ कम्प्लीटली सेल्फलेस. सो मोदी जी जो है वो बहुत इम्प्रेस हो गए एंड इनफैक्ट ही पर्सनली इन्वाइटेड एंड ही विश दैट यू नो ऑल द डाउनट्रोडन सोसाइटी, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कम्युनिटी, इन सबको ट्रेन किया जाए. सो डिजिटल इंडिया मूवमेंट विद डिजिटल वुमेन वॉरियर सपोर्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग, वी हैड अ फैंटास्टिक सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. क्या बात है. हम जरूर जानना चाहेंगे अगर आपकी मदद से, आपके इनसाइट से हम कुछ ऐसा यहाँ भी शुरू कर सके, वेयर वी कैन हेल्प सो मेनी वुमेन अराउंड दिस, यहाँ पे इस कंट्री में भी हेल्प कर सके, तो दैट वुड बी वंडरफुल. सो और आपने बात की मोदी जी की, तो मैं जानना चाहूंगी हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, की हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड स्पेशली मोदी जी. This is a very funny experience that, as you know, Mr. Modi is so popular and very favorite Prime Minister. Yes. So when he's I a got celebrity call, Prime Minister, I call him a celebrity Prime Minister. He's like so loved and. Yeah. So when I got call from Prime Minister's office, I thought it's a prank. So दो फोन मैंने literally united. You know, like just get lost. So third time when I got the call, he like literally shouted on me, OSD of Prime Minister. He said, do you have brain? So I was like, oh my God. He said, right away in the evening, you are taking a flight. Tomorrow morning, Prime Minister wants to see you. And imagine, this is like, oh my God, Prime Minister wants to meet you? So, you know, like that stress, that upset, that goosebumps, loose motions, everything was, because hajam nahi ho raha tha. And in fact, when I went to parliament, where, you know, there was a very big team to escort me from the gates of parliament, that, you know, shivering, because it's a very, you know, I met Canada Prime Minister, Ireland Prime Minister, but India Prime Minister is very different. Aap duniya ke har Prime Minister ko mil sakte ho, par India mein it's not aasan, you know. So, Modi ji, you know, it's, wow. Narendra Modi. तो यू नो पूरा पार्लियामेंट के जितने पिलार्स है, आप सारे वो टीवी न्यूज पे देखते रहेंगे पिलार्स, मैं जितने पिलार को क्रॉस किया, एवरी पिलार, यू नो माय बीपी, एक्चुअली बीपी शूटेड अप, लिटरली उनके दरवाजे के पहले आके मैंने कहा प्लीज मुझे थोड़ा ब्रीदिंग कर दे दो, आई नीड. एंड देन व्हेन आई वेंट इन, यू नो ही लुक्स लाइक देवदूत, एंजल, ऑरा. आई थिंक जैसे हम मंदिर में जाते हैं जो ऑरा, जो एक वाइब्रेशन फील करते हैं, बिकॉज मैं उनके पास में बैठी, उन्होंने पास में बिठाया, सामने बैठ के 22 मिनट तक कॉन्वर्सेशन रहा, गुजराती में बात किया. एंड इनफैक्ट आई कॉल्ड हिम, एड्रेस्ड हिम काका, एंड ही सेड तुम्हारू काम बहुत सरस चाली रही छे बेन, तमे एमज वत्ता रहेजो. एंड इनफैक्ट ही कॉल्ड फोटोग्राफर एंड दैट वॉज समथिंग वेरी यूनिक. सो दिस ओवरऑल एक्सपीरियंस on water, you know, he took a note of it, Banaras, Kanpur, Shitla Nala, all the work, digital women warriors. He said that I must work with the, you know, upper deprived society. So all this was very encouraging. And he asked me what you want, tell me, or, you know, more openly working. And he gave me plenty of authority to work in this field. And so that we could get the space and freedom. And I think, you know what, this is the best opportunity what any prime minister can give to a woman. आई मीन यू नो एक आम आदमी, एक आम महिला पूना में बैठी है एंड प्राइम मिनिस्टर उनको दिल्ली में बुलाते हैं. एंड आई नोटिस इट इज नॉट विद ओनली मी, बट देर आर मेनी पीपल, यूथ, हुज वर्क इज बीन अप्रिशिएट लाइक दिस. सो आई थिंक कुडोस टू हिम, सैल्यूट टू अवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु हैज दिस काइंड ऑफ विजन फॉर एनीबडी. इट्स नॉट दैट समबडी, यू नो, लाइक सम पेज थ्री और सम क्लास थ्री, इट इज समबडी हु आर वर्किंग, यू नो, जो काम करता है उस वो नोटिस करते हैं. And that's the best part. So hard work, determination, dedication pays off. You know, it won't be wrong to say, I was just thinking, it won't be wrong to say that you have so many feathers on your crown and you have so many stars on your uniform. You know, totally, it suits you, this dialogue. Or, you know, hum hamesha baat karte hain women empowerment ki everywhere. You know, we always talk to empower other women. Agar hum kuch kar sakte hain. Lekin, you know, kabhi kabhi we don't know the way, you know, it's not always easy to do it, but you know, agar aap jaise log ho jo already who can lead other women, you know, ek behind every successful women there's a tribe of other successful women, you know. Maine aapka jab webinar dekha to ek sawal aapse pucha gaya tha and uska jawab was so amazing jo aapne diya in simple language, ki aapko pucha gaya tha ki jis level pe aap ab hai, you know, you work with so many women all over the world probably.
हमेशा हम सोचते हैं कि यू नो देर इज जेलसी, यू नो देर इज वो एक दूसरे को पीछे खींचना एंड यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग बिटवीन विमेन, ऐसा बोलते हैं लोग, यू नो नोबडी इज हैप्पी विथ योर सक्सेस और एनीथिंग. और आपने जो जवाब दिया है इट रियली इंस्पायर्ड मी एंड आई टोटली बिलीव इन दैट, यू नो. तो मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस. I think when you know everybody feels, and I am sure this happens, but there is a tag, there is a tool, there is a skill, and there is an art to deal with it. So ki dushman tab hoti hai jab ye insecurities paida hoti hai. So first of all, agar wo hum wo insecurities hi paida na hone de. Now for example, aap kuch success ladder pe bahut upar ja rahi hai और आपके साथ में जो कोई है, बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, उसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. सो अगर वो आपके साथ है और आपको मालूम है कि ये सब मेरी अपनी टीम है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो टाइम टू टाइम उनको एक्नॉलेज करना है, स्पिरिट बढ़ाना है, टाइम टू टाइम एंगेज करना है. बिकॉज जब तक ये हैंड होल्डिंग का प्रोसेस नहीं होगा, ये इनसिक्योरिटीज बढ़ते रहेंगे. एंड आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव दैट द बॉन्डिंग द यू नो द पावर व्हाट वी हैव क्रिएटेड इन इंडिया नाउ ओनली अवर डिजिटल वुमेन वॉरियर वी हैव मोर देन 1 लाख मेंबर्स. एंड इमेजिन वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर. आज भी कोई मुझे कहां से, कच्छ से, केरला से, साउथ इंडिया से कोई भी वुमेन कोई कहेगी तो मुझे याद रहता है बिकॉज इट्स कनेक्टेड. तो ये कनेक्शन बॉन्डिंग आई थिंक वी नीड टू मेक श्योर दैट वी टेक केयर ऑफ ईच अदर. We need to give that space to each other. और तब फिर वो insecurities नहीं पैदा. अगर मैं ये सोचूंगी बस मैं करती रहूं, इसको पता भी ना चले, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और you know that kind of hidden kind of thing, games, then you know what? आप अपने पास एक jealousy को attract करते हो. So you know you have to deal it with a very skillful and with an art. Right. That's amazing. You know, आप इतना अच्छा बोलती है, इतनी, you know, you are a motivational speaker. एक सोशल मुद्दा है राइट नाउ दैट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट. यू नो आज की जो यूथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, आज की जो यूथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एक मेंटल हेल्थ कहते हैं इश्यू, एंग्जाइटी बोलो, डिप्रेशन बोलो, पीयर प्रेशर, आई डोंट नो वेदर इट्स अबाउट स्टडीज और वॉट एवर अराउंड देम, इट्स अ लॉट. यू नो वॉट अ यूथ गोज थ्रू नाउडेज, बहुत बार होता है लोग सुसाइड करते हैं या जो भी है. तो You know, I would like to know your opinion about this. कि क्या positive message आप दे सकती है हमारे आज के youth के लिए, you know, to fight these struggles या जो भी है, एक peer pressure होता है, कभी parents का pressure होता है, family का pressure होता है. So, a competition. This is a world of competition. It's just not easy. So, what would you like be able to give them a positive message? I think particularly for you. You know, the most important, so now that foundation when the children are growing, especially teenagers to adulthood, this whole period, I mean development of puberty, there are lots of hormonal changes. So this peer pressure, quite natural. But in that case, if parents are, you know, not parents, but if they are like, you know, kind of friend and they accept and, you know, like that adaptability. So then what happens, that relationship with the, you know, like child becomes on a very friendly note. Now child is facing, let's say, depression or in the outside world, he's going through lots of things. If he's coming and sharing with you, like with the parents, then he's feeling that on the lighter note. Now in America, because I see like a lot of children, my friends' children. So generally what I feel is sometimes if the foundation is strong, they do come, they share with parents. So it is actually, you know, depends on parents, that family also, even the exposure, you know, in that family, how is the exposure also. But at the same time, when, you know, it is all depending on the basic foundation of the homes. So I think, you know, it is the relationship between children, parent, and that way they can have a, on a, you know, very lighter side. So this way that can really relax. Yeah, or man, I agree. और मैं, you know, सभी parents से कहना चाहूंगी कि let the kids do what makes them happy. क्योंकि हम चाहते हैं, हम हमारे सपने अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बने तो हमारा बच्चा डॉक्टर बने या जो भी है इंजीनियर बने. It's not, it doesn't work like that. Let them do what makes them happy, तो ही वो आगे जाके successful रहेंगे. वरना in this competitive world, you know, they'll just be fighting to be successful, you know, पैसे के लिए भाग रहे या जो भी है, you know, they won't enjoy life. So this is, you know, a message for
ऑल आर व्यूअर्स. और अभी है ना, बिकॉज ऑफ कोविड 19, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, मेनी टाइम्स आवर चिल्ड्रन चूजेस अ लाइन व्हिच पेरेंट्स मे नॉट लाइक. फॉर एग्जांपल, डॉटर मे चूज द करियर ऑफ जुम्बा. नाउ यू नो लाइक जनरली पेरेंट्स माइंडसेट इज इसकी शादी होगी, ये कहीं घर में जाएगी तो शायद जुम्बा करने नहीं देंगे इसको. सो दैट इनिशियल फेज ऑफ लाइफ, आई थिंक टीनेजर्स यू नो दे आर ऑलवेज द रिबेलियस, कि पेरेंट्स ने बोला ये करो तो वो कभी नहीं करेंगे. सो समटाइम्स ठीक है, उनको फेल भी तो होना होगा, उनको वो फेस से जाना होगा. एंड अनलेस एंड अंटिल वो गिरते हैं, पड़ते हैं, उनको चोट नहीं आती है, तब तक वो समझते भी नहीं है. सो आई थिंक एक फेज से उन्होंने गुजरना भी जरूरी है. सो जो यश का जो शिखर होता है वो चढ़ते वक्त अनगिनत ऐसी ऐसे स्टेप्स आएंगे जिसमें आप गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, फिर वापस खड़े होंगे. सो एज अ पेरेंट्स वी डोंट ऑलवेज हैव टू बी प्रोटेक्टिव, यू नो वी हैव टू लेट देम गो, यू नो इन देयर फ्लो ऑल्सो. So I think when they belong to you, that sense of belonging is there, they are going to come back to you. So ultimately, I think, yeah, so that's very important, that sense of belonging. And they should just feel that, theek hai, hum hai unke liye, you know, we are there to support them. Whatever they fail or they succeed, you know, we are there to support them. That's important. So मेरा अगला सवाल आपसे ये है शर्मिला जी, कि यू नो राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स बिकॉज ऑफ कोविड 19, यू नो इट्स द होल वर्ल्ड इज सफरिंग. सो व्हाट इज योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है, हाउ इज इंडियन गवर्नमेंट हैंडलिंग दिस सिचुएशन या हाउ इज इंडिया हैंडलिंग दिस सिचुएशन? आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड इट ब्रिलियंटली. इफ यू सी द पॉपुलेशन, व्हाट साइज वी आर, बहुत जल्दी हमारे यहाँ सारी चीजें बंद की गई, एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग. सो इमेजिन आज हम अगर 1 लाख तक पहुंचे हैं पूरे इंडिया में, जब वर्ल्ड पूरे रिकॉर्ड्स कर चुका है, एंड विथ अवर काइंड ऑफ यू नो पॉपुलेशन, एंड विथ अवर काइंड ऑफ, नॉट दैट वी आर हैविंग ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज, इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि सारी देसी इम्यूनिटी है एंड जिसने हम सबको बचा रखा है. सो इंडियन गवर्नमेंट परस्पेक्टिव, दे हैव डन वेरी गुड मेजर्स. In fact, if you see, Delhi is coming back to the normal life. Kerala is coming back to normal life. Halaki Mumbai, Pune is facing a lot. So it's like state-wise decisions, policies, what they have taken. But our Prime Minister Modi, he was been very, very, I think, you know, careful, concerned. Unhone even jo research pe jo unka dhyan raha hai with US, with UK, इवन वैक्सीन वैक्सीन डेवलपिंग के लिए जो प्रयास चल रहा है वो फिनोमिनल है. सो इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग फिनोमिनल जॉब एंड वी आर वेरी हैप्पी. Right now, I think everywhere, even in like America, यहाँ पे, I think the government is doing great. They're trying to open back the economy slowly and safely. और मैं है ना बोलना चाहूंगी, at least a big thank you to all the frontline workers who are fighting to keep us safe. अपनी जान की परवाह न करते हुए दे आर ऑल यू नो, हम अगर खाली घर पे रह के सेफ रहे और उनको सपोर्ट करें, आई थिंक वी कैन ऑल फाइट दिस टुगेदर. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो आपके पोस्ट कोविड प्लान्स क्या है, आप क्या कर रही है आगे, आपके प्रोजेक्ट्स या जो भी आपका सोशल वर्क है, व्हाट इज योर पोस्ट कोविड प्लान्स? वेल एज आई सेड दैट आई एम अ वाटर पर्सन, आई एम अ वेरी डिवोटेड टू वाटर फील्ड. So basically, water security. Now, after post-COVID, the next issue is water crisis all over the world. It's not that only India. In fact, when I visited to California, I surveyed the glaciers melting and the cotton farms and how the, you know, farmers and the, even the local government, there are a lot of issues on the water policies. So here in India, particularly post-COVID, we have already, decided on the areas, let's say Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, where the water tables are gone below. So how can we revive them? The wells which have been dried up, how do we revive them? So on that, the plans are on. And in fact, we welcome all the kind of support, all the kind of volunteering from US, if anybody wants to come and join. In fact, we have the adopted villages where we have trained women. जो floods आए थे बीच में, तो कोल्हापुर जो region है, so we have adopted villages जहाँ पे ये सारी women को हमने training दिया है, making quilts, जो साड़ियों की quilts होती है, रजाइया छोटे बच्चों के हैं, और ऐसे बहुत सारे products जो है, natural products है, accessories है, artifacts है. So this is again on the rural India, promoting rural empowerment. And third, as I mentioned, women cooperative. We are coming up with the women cooperative
we are making of the products, and through our digital women warriors, we will be again inviting all the even women from America to join, and we would like to have digital women warriors in USA also. So this is post-COVID, water and women cooperative. These are the two areas which are my focus. And definitely we will be looking forward for any kind of support, cooperation, volunteering. Come and join hands. I will definitely be your digital woman warrior for sure. You've inspired me. पिछले कुछ दिनों में आपने मुझे सच में इतना इंस्पायर किया दिल से, you know, really that मुझे लगता था मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, पर अभी लगता है बहुत कुछ करना बाकी है अभी तो, you know, there is so much you can do. Because as a responsible citizen, you know, it is so important to give back to the society. You know, हमेशा हम अपनी सक्सेस, अपना अचीवमेंट वो ही भाग रहे होते, you know, और आपने अभी, you know, एक जन्म जो आपने अभी तक किया है, you know, एक बोलते हैं ना कि एक जन्म में तो बहुत मुश्किल है करना, बहुत कुछ आप कर चुके, अभी तो आपकी पूरी जिंदगी बाकी है और आप क्या कुछ नहीं करेगी. और मैंने सुना है बहुत लोग कहते हैं कि इफ वी हैव मेनी मोर शर्मिला ओसवाल्स इन दिस वर्ल्ड, यू नो, द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, यू नो, एंड इट इज राइटफुली सेड. सो दैट इज रियली ग्रेट, दैट्स, यू नो, टोटली अग्री टू दैट. और है ना, आप अभी जीतो से, आप जीतो की चेयरपर्सन है एंड इट्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. कुछ थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं जीतो के बारे में. जीतो की मैं लेडीज विंग को हेड करती हूँ, अध्यक्ष हूँ मैं. तो जीतो इज अ जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच B2B, B2C एंड एम्पावरिंग पीपल फॉर बिजनेस. So here we are empowering the global community for handholding businesses and developing their businesses, investments, equities, startups, incubation. If you have any kind of idea, in fact, I'm appealing to all the audience here. If you have idea, please come forward, share your idea with us. We have full-fledged incubation centers here. Even in San Francisco, we have acceleration set up. In fact, Mr. Prem Jain from Cisco, he's heading our Jito San Francisco. We have our chapters in USA, New York, Miami, in fact, LA, then also California. So we have this all kind of facilities for youth. In fact, in Mumbai, if anybody wants to come and do business, we have a full-fledged office set up, infrastructure, and you can come and join hands. So this way, this is a trade organization where business handholding, if you have an idea, if you want to do something, you are most welcome. So we are there to welcome you for that. That is amazing. I know that Jito is very well connected to Jaina as well, our Jain organization in USA. They are doing an amazing job. I think every Indian organization I have seen in this tough times, COVID-19, every Indian community is trying to give a little bit back to the society. They are trying their best to help people who are in need in these difficult times. And जो भी थोड़ा बहुत कर सकते, you know, they always say that no amount is ever small, you know. तो मेरी viewers से ये दरख्वास्त है कि अगर आप कुछ contribute कर सकते, दे सकते for any noble cause during these tough times, anywhere in the world, you know, just do your bit, a little bit also helps and makes a difference. So that is great. और you know, इतना कुछ है आपसे पूछने के लिए, आपसे बात करने के लिए शर्मिला जी, that we can go on. And I would like to just, you know, कि हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, लाइक जस्ट इस मुश्किल घड़ी में एक पॉजिटिव मैसेज जो आप दे सकती है ऑल ओवर, कि यू नो, जस्ट स्टे पॉजिटिव, जो आप, यू नो, बी क्रिएटिव, जो भी है, डोंट गेट डिप्रेस, डोंट गेट, सब कुछ तो ठीक होना ही है थोड़े टाइम के बाद, यू नो, इट्स ऑलवेज, यू नो, यू मीट ऑन द अदर साइड, एवरीथिंग इज़ गोना बी गुड. तो प्लीज आप कुछ एक पॉजिटिव मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर दे जाने से पहले. I would like to say that life is only आज हम है कल पता नहीं. In fact, COVID times में जान है तो जहान है, सिर सलामत तो पगड़ी 50, और जिंदा रहेंगे तो हजारों पाएंगे. So आज की हमारी जो thought process है, वो हमें जो हम पहले थे उससे कई गुना ज्यादा हमें एनर्जेटिक होना है, एक्टिवेट होना है, अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इनर पावर को बढ़ाना है, अपने आप को डिस्कवर करना है, एंड योर, यू नो, पोटेंशियल. सो यू नीड टू अनलिश योर पोटेंशियल फ्रॉम विद इन.
और ये सारी चीजें जब आप साथ में लाएंगे तो आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंड एवरीबडी नोज ये टाइम चला जाएगा. सो यू डोंट नीड टू थिंक दैट यू नो कि हम लोग फंस गए हैं, ये क्या हो रहा है. नथिंग टू वर्क ऑन दैट, नथिंग टू वरी अबाउट दैट. एंड आई थिंक यू नो कि द मोमेंट यू डिसाइड कि कोई बात नहीं, हर रात की सुबह होने वाली है, सूरज डूबने वाला है तो उगने भी वाला है, सुबह होने वाली है तो वो सूरज जरूर आएगा, वो सुबह जरूर आएगी, फिर से ये जहान वापस खूबसूरत रहेगा, एंड वी ऑल आर इन द ब्यूटिफुल वर्ल्ड. सो यू नो ये पॉजिटिव रहिए वगैरह ये सारी दुनिया कहती है, पर मेरा ये कहना है कि आपने जन्म लिया है, एंड इट्स लाइक 84 लाख जन्म कितने करके, अगर हम इंडियन है, देसी है, तो हमारी थॉट प्रोसेस तो आपको पता है. तो आई विल नॉट से, बट देन आई विल से दैट ये जो स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड है, व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशंस, योगा, देखिए हमारे पास इतना कुछ एबंडेंस में है. आप भले ही अमेरिका में, देखिए हमारी जो योगिक प्रैक्टिसेस है, आज अमेरिका भी आज उसके ऊपर काफी अच्छे से काम कर रहा है. आप देखिए तो हमारा आयुर्वेदा, हमारा होम्योपैथ, हमारी हर चीजें, आप इन सब चीजों को वापस लाइए, आप भारत को अमेरिका में लाइए, उसे जिए, एंड इससे क्या हो जाएगा कि आई थिंक यू विल बी गिविंग, यू विल बी लिविंग एज अ यू नो इंडियन. आप एक भारतीय बनके, भले आप अमेरिका में रहे, कहीं पे भी रहे, अमेरिका आपकी कर्म भूमि है, आपकी जन्म भूमि भी है, और वो आपकी मदर कंट्री भी है. सो और इंडिया और अमेरिका की दोस्ती देख के आपको तो पता है कि दोनों कंट्री में बहुत अच्छी दोस्ती है. सो आई थिंक वी हैव अ सच अ वंडरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन. और दिल में, जहन में रखिए कि देश के लिए भी कुछ करना है, तो इस कोविड में अपना ख्याल रखना है, सेफ रहना है, इंडिया भी जाना है, जिस गांव से आए हैं उस गांव के लिए कुछ करना है, उस मिट्टी के लिए कुछ करना है, तो कसम है तुम्हें उस मिट्टी की कि अपने आप को इतना तगड़ा रखो, इतना सेफ रखो, इतना सुरक्षित रखो कि अपने भारत मुल्क कभी तो जाओ और कभी किसी के लिए कुछ करो, किसी का हाथ थामो, किसी के लिए, किसी की भूख प्यास को मिटाओ. इस कोविड टाइम्स में आपने अगर जिंदगी में कुछ भी यू नो जैसे छोटी से छोटी चीज भी, एक कुछ नेक काम कि चलो मैंने कम से कम यू नो मैं जिस मिट्टी से आया हूँ मेरा उससे कुछ देना है यू नो. तो ये कोरोना को मैं कोरोना नहीं कहती, एक कार्मिक लेखा जोखा है, कोरोना नहीं, कोरोना क्वारंटाइन नहीं, इट्स अ मी टाइम. You know, so if we have this positive thought, because we are at silence, we are at pause. ये प्रकृति ने हमें साइलेंस दिया है, ये निसर्ग ने हमें पॉज दिया है, तो ये किस लिए दिया है सोचिए. क्योंकि आप उस रैट रेस में, रफ्तार में, मेट्रो में आप भाग रहे, रुकने का ही नाम नहीं ले रहे, तो उस निसर्ग सृष्टि ने सोच लिया कि भैया ये तो कुछ सुन नहीं रहे, इनको रोको, और ये रोको, ये कोरोना आ गया है ना. तो अभी आपको ये सृष्टि को भी दिखाना पड़ेगा कि भाई अभी हम पीसफुल है, वी आर फुलफिल्ड, वी आर कंटेंट, जो दिया है वो बहुत ज्यादा दिया है, ग्रेटफुलनेस की भावना रखिए, और देने वाले की, ईश्वर की कृपा और उनके वरद हस्त के नीचे उस अगर आभास में रहेंगे कि जाते जाते मुझे कुछ अच्छा काम करके जाना है जिंदगी में, मुझे कुछ इम्पैक्ट करके जाना है, तो देन लाइफ विल बी ब्यूटिफुल, देन इट विल बी कंप्लीटली फुलफिल्ड. You know, we all have to find ये corona time, ये जो me time आप कह रहे हैं, we all have to find the better versions of ourselves. हम इतना कुछ, हम अपने आप को कभी time नहीं दे पाते. You know, we are always running in this rat race. तो this is the time कि हम you know एक reflect करें अपने आप पे कि you know what we can do for the world as well. और मैंने ना मुझे इतने सवाल मन में लाइक यू नो दिमाग में आ रहे कि मैं पूछती जाऊँ. मैं पूछने वाली थी आपको कि आपका मैसेज फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट, आपने उसका जवाब तो ऑलरेडी दे दिया, यू नो यू जस्ट सेड. मैं आपकी फैमिली के बारे में भी थोड़ा कुछ जानना चाहूंगी, आपके बेटे के बारे में मैं पूछा ही नहीं और आपने बताया नहीं, बट प्लीज यू नो लेट अस नो अबाउट योर हस्बैंड, योर सन, लिटिल बिट. Yeah, I think I'm blessed to have a wonderful, you know, because when I was in Canada, I went to Canada, he was breastfeeding child. So journey was been again very strugglesome. But जब बच्चों का support रहता है, अगर वो रोते बिलकते रहे मम्मी 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 and then you know, so then mom is not able to do anything. But I'm blessed that I had always a great support from son. From husband, in fact, there never was a you know like kind of husband that tagline. It's always been a best friendship. So I think ये जो friendship का रिश्ता है, और मुझे हमेशा लगता है कि रिश्तों में अगर vacuum है और you know वो hollowness है, तो
तो वहां पे रिश्ते पनपते नहीं है, फिर रिश्ता जो है वो दर्द का रिश्ता बन जाता है. सो यू नो अगर एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल हस्बैंड, वंडरफुल चाइल्ड, माय सन ही इज ग्रेजुएटिंग दिस ईयर एंड नाउ इन कोविड टाइम एवरीवेयर इट हैज बीन सेम सिचुएशन. That's great. मैं खुद भी अपनी फैमिली के बारे में यही कह सकती हूँ कि माई हस्बैंड हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी, जो करना है मुझे हमेशा करने दिया है. कभी भी यू नो आई हैव नेवर हैड दैट स्टॉप कि नहीं ये यू नो बीइंग अ वुमन यू कैन नॉट डू दैट. सो आई हैव ऑल्सो एंजॉयड ऑल द फ्रीडम और मैं बहुत कुछ आगे करना चाहती हूँ. और अब जैसे कि आपसे जुड़ गई हूँ तो डेफिनेटली आई यू नो वील डू सम गुड वर्क टुगेदर. और बहुत मजा आया आपसे बात करके शर्मिला जी, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. प्लीज स्टे सेफ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए. आई एम कहिए मीता जी, जाते जाते मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगी स्पेशली अमेरिकन इंडियंस को कि मैं लाइक काफी बार मेरा यूएस आना होता है और ये दिल की बात है, एक भारतीय हूँ मैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब जो अमेरिका में हैं भारतीय, आप सारे सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, साउथ इंडियन ना बन के इस टैगलाइन को हटा के यू नो न्यूट्रलिटी पे आके अगर सारे कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो बहुत मेरे ख्याल से इस कोविड टाइम्स में ये इंट्रोस्पेक्शन आप सबके लिए मैं चाहूंगी, जिससे आप सब में एक कॉमन, एक यूनिफॉर्मिटी और एक कॉमन वॉइस बने. क्योंकि आज आप वहां पे अमेरिका में पर है तो आप सब दिल से भारतीय, तो आप सब में ये भारतीयत्व का जज्बात अगर सब में आ जाए और सब अगर एक ग्राउंड पे सब एक कॉमन वॉइस बन जाए, मैं तो चाहूंगी आपका चैनल ही इसका एक कॉमन वॉइस बन जाए. एंड दैट आई एम इंडियन ये फिलोसॉफी पे अगर यू नो दैट स्ट्रॉन्ग जज्बात आ जाए तो बहुत खुशी होगी. एंड देन सैल्यूट टू यू ऑल देयर यू नो हुज बीन डूइंग वंडरफुली. थैंक यू सो मच. इतना प्यारा मैसेज है टू एंड आवर शो. और ये जो आई एम इंडियन अगर जब आप बोलते हैं तो यू गेट गूज़बम्प्स, यू नो लाइक एक एक जो कनेक्शन है अपने देश के साथ, इट्स अमेजिंग. बट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. यू स्टे सेफ और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू शर्मिला जी फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच. नमस्ते. जय हिंद. जय हिंद.